हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेला का भुजिया बनाने की रेसिपी। हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई गर्म होने पर हम इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों तेल दे देंगे। उसके बाद तेल गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ करेला डाल देंगे। हमने इसे अच्छे से धो के काट लिया था। अब हम इसमें दे के ढक देंगे इसे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है और उसके ढक के ही पकाना है। ढक के पकाएंगे तो करेला अच्छे से सीझेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है ताकि ये जले ना। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हमारा हल्का सा करेला हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, कर देंगे। अब इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार दें, आधा चम्मच हल्दी। अब इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। उसके बाद इसे ढक देंगे। ढक के फिर पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। देखिए हमारा करेला का भुजिया अच्छे से पक चुका है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप इसे चावल दाल या रोटी के साथ